الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. السلام عليكم भाई और दोस्तों, मैं ज़ीशान मेहदी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ अपने प्रोग्राम को दोबारा लेकर. हमारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जनाब मौलाना सैयद अस्करा साहब. मैं मौलाना साहब का स्वागत करता हूँ. सलाम अलैकुम. अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पिछला प्रोग्राम गीबत के सिलसिले में हुआ था कि जिसमें मौलाना साहब ने अर्ज़ किया था कि गीबत की क्या तारीफ़ है और उसकी हुरमत को कुरान मजीद से साबित किया था. मौलाना साहब, मैं चाहता हूँ कि जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में आयात के ज़रिए हुरमत गीबत को साबित किया था कि गीबत किस तरह से हराम है, मैं चाहता हूँ कि हदीस के ज़रिए हमारे दोस्तों की खिदमत में गीबत किस तरह हराम है इसको पेश करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. اما بعد, देखिए आयात के बाद जो है वो रिवायत भी गीबत के बारे में मुतअद्दिद है. बहुत ज़्यादा रिवायत वारिद हुई हैं जो गीबत की हुरमत और गीबत की बुराई पर दलालत करती हैं. चुनांचे मैं यहाँ पर सबसे पहले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ जिसमें आपने बिल्कुल साफ अल्फाज में बयान फरमाया है कि गीबत हराम है. चुनांचे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलगीबतु हरामुन अला कुल मुस्लिमिन, गीबत जो है वो हर मुसलमान पर हराम है. जी. अब देखें यहाँ पर मौला क्या फरमाते हैं. आप फरमाते हैं, व इन्नहा लताकुलुल हसनात, हराम तो है ही है. जी. देखें, हराम का मतलब आम तौर पर ये है कि अगर हम उस काम को अंजाम देंगे जो काम हराम है. जी. तो चूँकि हमने वो काम अंजाम दिया है उसके बदले में हमको सज़ा मिलेगी. जी. अजाब मिलेगा. जी. अब वो सज़ा जो भी हो, जो अल्लाह मुअय्यन करे. जी. लेकिन ये गीबत एक ऐसा गुनाह है कि इसको करने की तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है. इन्नहु हरामुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर हराम है. इससे आगे भी इमाम फरमाते हैं, व इन्नहा लताकुलुल हसनात, दूसरी जो नेकियां इंसान ने अंजाम दी हैं उनको भी खा जाती है, बर्बाद कर देती है. कमा ताकुलुन नारल हतब, जिस तरह से जो है वो आग लकड़ियों को खा जाती है. आग लकड़ियों को खा जाती है यानी जलाकर राख कर देती है. देखिए, लकड़ी जब होती है तो आप देखें लकड़ी में जो बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं, छोटी लकड़ियां भी होती हैं, बड़े दरख्त भी होते हैं जिसमें मोटे पतले मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन जो है मजबूती पाई जाती है. अगर ज़रा सी हवा चले मामूली सी तो राख उड़ जाएगी लेकिन लकड़ी नहीं उड़ेगी. यहाँ तक कि बाज़ ऐसे दरख्त होते हैं कि तूफ़ान भी आ जाए तो वो अपनी जगह पर सालिम रहते हैं, खुसूसन पहाड़ों पर इस तरह के दरख्त पाए जाते हैं. तो कितनी सख्ती और कितनी ताकत पाई जाती है लकड़ी में. इसी तरह से जो है वो हसनात और नेकियों में भी बड़ी कुव्वत पाई जाती है अल्लाह की रज़ायत को जल्ब करने की. लेकिन जिस तरीके से आग लकड़ी की ताकत को ख़त्म कर देती है, जिस तरीके से आग जो है वो लकड़ी को जलाकर उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी खूबसूरती, उसकी अहमियत को ख़त्म कर देती है, यहाँ तक कि उसकी शक्ल को बदल देती है, उसकी मादे को बदल देती है, इसी तरीके से गीबत भी जो है, चुगलखोरी भी जो है, वो इंसान की नेकियों को, उसके अच्छे आमाल को, उसके नमाज को, उसके रोज़ों को बुराइयों में बदल देती है. यानी बजाय इसके कि इसको नमाज के बदले में जज़ा मिले, यही नमाज जो है इसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, इसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा. ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है. इसके अलावा पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, अलगीबतो असरा फ़ी दीन रजुल अलमुस्लिम मिन अकलत फ़ी जौफ़ ही. देखिए, बाज़ मर्ज़ जो हैं वो बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें छूत की बीमारी कहा जाता है, यानी फैलने वाली, सरायत करने वाली बीमारियाँ, जिनमें नज़ला है, ज़ुकाम है या अपने यहाँ एलर्जी होती है, इस तरह की बीमारियाँ हैं,
ये लिबास के ज़रिए, बिस्तर के ज़रिए, बाज़ बीमारियाँ बर्तन के ज़रिए जी से फैलती रहती हैं। अगर किसी ने, जिसको ज़ुकाम है, उसने एक बर्तन में जी पानी पिया, उसी में दूसरा पी ले, तो उसको भी हो सकता है। जी एक इंसान के जिसको एलर्जी है, जी फोड़े फुंसी निकले हुए हैं, अगर जी उसका लिबास कोई दूसरा पहन ले, तो तो उसको भी उसका भी लगने का जी ख़तरा खतरा है। रहता है। इसी तरह से एक बरस और पीसी, ये जी बीमारी है, ये भी फैलने जी वाली है। जी अगर इंसान एहतियात ना करे, तो जी ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। जी पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं? अलगीबतु असरउ फी दीन रजुल मिनल अकलत फी जौफी। जितनी तेज़ी से बरस, सफ़ेद दाग और पीसी की बीमारी जो है वो सरायत करती है एक से दूसरे में, जी गीबत जो है उससे जल्दी इंसान के दीन में सरायत करके उसके दीन को बातिल कर बात देती है, जी उसके दीन को फासिद कर देती है। जी गोया कि एक गीबत के नतीजे में इंसान जो है वो अपने दीन को बर्बाद कर बर्बाद बैठता करता है। है। जी इसी तरीके से पैगंबर इस्लाम का एक और इरशाद मौजूद है, जिसमें पैगंबर इस्लाम ने बड़े सख्त लहजे में गीबत से दूर रहने के लिए कहा कहा है। है जी चुनांचे लफ्ज़ इया जो है, इयाकुम, जी ये मुतवज्जह करने के लिए आता है। जी इयाकुम वल गीबा, खबरदार गीबत के नज़दीक न जाना। जी फ़इन्नल गीबता अशद्दु मिनज़ ज़िना। जी यहाँ पर पैगंबर इस्लाम ने जो ताबीर और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इंसान गौर करे, बहुत सख्त हैं। आप फरमाते हैं कि गीबत और चुगलखोरी का गुनाह जो है वो जिना से भी सख्त है, जिना जी जैसे बुरे अमल से भी ज़्यादा शदीद और जी सख्त है। फ़इन्नर रजुला कद यज़ना फ़यतूब फ़यतूबुल्लाहु अलैह व इन्ना साहिबल गीबते ला युग़फ़रु लहू हत्ता यग़फ़िरा लहू साहिबुहू। पैगंबर फरमा रहे हैं इसलिए कि अगर इंसान जिना करे और अल्लाह से तौबा कर ले, तो अल्लाह जो है कबूल कर लेता है। लेकिन व इन्ना साहिबल गैबत ला युग़फ़रु लहू, जी लेकिन साहिब गीबत, जिसने गीबत की है, अगर वो तौबा भी करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है, उसको जी माफ़ नहीं किया जाता है। हत्ता यग़फ़िरा लहू साहिबहू, जब तक उसको वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी गिबत की जिसकी गई। गीबत की जी गई है। यहाँ पर एक हदीस और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो नक़ल की गई है। जी अल्लाह ताला ने जनाब मूसा पैगंबर पर वही की, जी और बहुत काबिल गौर बात है ये। इस पर जो है वो दोस्तान खसूसी तवज्जो दें। इरशाद होता है, अल्लाह ने जनाब मूसा पर वही की, इरशाद जी फरमाया, ममाता ताइबम मिनल गीबा। अल्लाह ताला फरमाता है जनाब मूसा से कि जो इंसान गीबत करे और उसके बाद तौबा कर ले जी और उसकी तौबा कबूल भी हो जाए, देखें मराहिल देखें, जी गीबत की, तौबा तौबा की, की, तौबा तौबा कबूल हुई। कबूल भी हो गई जी और अब मर जाए, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़हुवा आखिरु मन यदखुलुल जन्नत। ये इंसान ठीक है, इसकी तौबा कबूल हो गई है, इसने तौबा की और इसकी तौबा कबूल हो गई, लेकिन सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो ये होगा, तौबा की है, तौबा कबूल हो गई है, जी लेकिन सबसे आखिर में जन्नत में ये दाखिल होगा। वमन माता मुसिरन अलैहा फहुवा अव्वलु मन यदखुलुन्नार। लेकिन जो इंसान गीबत करे, गीबत के बाद तौबा ना करे और बार बार गीबत करता रहे, तो सबसे जी पहले जो जहन्नम में दाखिल होगा वो यही वही शख्स होगा। जी लिहाजा जो है वो रिवायात के ज़रिए से इसकी हुरमत, मजम्मत, जी और कितनी ज़्यादा मजम्मत है इसकी, इसकी मजम्मत में कितनी शिद्दत पाई जाती है, जी वो इन रिवायात से आहदीस हमको जी मालूम हो जाती है। जी लिहाजा इंसान अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता है, जी देखें जब यहाँ इंतज़ार के लिए इंसान को खड़ा खड़ा होना पड़ता है, तो बहुत सख्त गुजरता है। मिसाल के तौर पर अपने यहाँ सरकारी कोटा जब तकसीम होता है, जी तो उसमें जो है वो गल्ला वगैरह गल्ला जी वगैरह जो जी तकसीम होता है, तो उसमें लाइन लगाना इंसान के लिए बड़ा सख्त होता है। जी या इसी तरह से और जब इंसान जो है ट्रेन का टिकट लेने लगता है, तो अगर 5 लोग आगे हैं तो जी इंसान के लिए खड़ा होना सख्त हो जाता है, जबकि काम क्या है, लेना टिकट लेना है, जी
टिकट लेना है, टिकट लेके सफ़र पर जाना है। अब ये सफ़र जो है, सफ़र की भी नौईयत है। कभी इंसान ऐसे सफ़र पर जा रहा है कि जाने से खुश है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो कहीं काम के लिए गया हुआ है, वहाँ से वापस आ रहा है तो उसे आने में खुशी होगी जब अपने वतन जाएगा। लेकिन एक इंसान है जो अपने वतन से जा रहा है, घर वालों को छोड़कर जा रहा है, तो उसको जाते हुए जो है बहरहाल एक अफसोस होता है, गम होता है। तो यहाँ पर यानी सफ़र की नौईयत है, एक वक्त इंसान खुश होकर जा रहा है दूसरे वक्त, लेकिन दोनों हालातों में जब वो ट्रेन के सफ़र के लिए टिकट लेने के लिए जब लाइन में खड़ा होता है तो इंतज़ार बड़ा सख्त हो जाता है। तब आप तसव्वुर करें, यहाँ 5 अफराद हैं, 20 अफराद, 50 अफराद, क़यामत के यहाँ तो क़यामत में तो एक आलम होगा लोगों का, पूरी दुनिया वहाँ जमा होगी, दो ही ठिकाने हैं, ये जन्नत या जहन्नम। ऐसे आलम में इंसान इंतज़ार करे, वो भी वो शख्स के जिसने गीबत करके तौबा की हो और तौबा कबूल हो गई हो। जिसकी तौबा कबूल ही नहीं, जो इसरार करता रहा, उसका तो कहना ही क्या है। बहरहाल ये है कि उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जहन्नम में जाना वाला वही है। लिहाजा अगर इंसान अपने अमाल को बचाए रखना चाहता है, नेक अमाल को, और जन्नत जन्नत में जाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि गीबत ना करे, और अगर खुदा खास्ता गीबत की है तो तौबा कर ले। शुक्रिया मोहम्मद साहब, बहुत बहुत। भाई और दोस्तों, वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं आपकी खिदमत में, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई और दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारी बातचीत जारी है आली जना मौलाना सैयद असगर साहब क़िबला के साथ। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले आपने गीबत की हुरमत को रवायात के ज़रिए हमारे सामने साबित किया। क्या मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों की खिदमत में गीबत के क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में आप देखिए। गीबत के नुकसान के सिलसिले में सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर दूँ कि गीबत के नुकसान दो तरह के हैं जी। एक फ़र्दी नुकसान हैं, यानी जिनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ या तो गीबत करने वाले से है या जिसकी गीबत हो रही है उससे है जी। और दूसरे जो है वो इज्तमाई हैं, यानी जिनका ताल्लुक जो है वो पूरे माशरे से है जी। पूरे माशरे को नुकसान पहुंचने वाला है जी। यानी एक बार फिर तकरार कर दूँ अपने दोस्तों के लिए, गीबत के जो नुकसान हैं वो दो तरह के हैं, या तो फर्दी हैं या इज्तमाई हैं। सबसे पहले मैं चाहते हैं फर्दी के बारे में आप वजाहत कर दीजिए कि फर्दी कैसे। देखिए, फर्दी नुकसान जो हैं वो ज़्यादा और अक्सर जो है वो ख़ुद उस शख्स के लिए हैं कि जो गीबत जिसकी की जा रही है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि जो इंसान गीबत करता है उसके नुकसान नहीं हैं, बल्कि जो गीबत करता है जी उसके लिए भी नुकसानदेह है, जिसकी गीबत की जा रही है उसके लिए भी नुकसानदेह है जी। सबसे पहले तो ये कि जो इंसान गीबत करता है, देखें इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे पास एक मेयार मौजूद है। मासूम फरमाते हैं कि मोमिन की इज्जत जो है वो खाने काबा से बढ़कर है जी। अब इंसाफ से बताएं, क्या कोई मुसलमान मगर ये कि उसका इस्लाम इस मरहले तक पहुंच जाए कि इमाम हुसैन ये कहते हुए नज़र आए कि वाल इस्लाम अस्सलाम, ऐसे इस्लाम पर जो है वो गोया, जिसका तर्जुमा का आजकल वो तंजिया ज़बान में किया जाता है कि ऐसे इस्लाम का फातिहा पढ़ देना चाहिए जी। अगर इस्लाम इस मरहले पर पहुंच जाए जी तो फिर तारीख़ में हम देखते हैं कि खाने काबा की भी बेहरमती की गई है। यजीद जैसे अफराद मौजूद हैं तारीख़ में उनके नाम, जिन्होंने खाने काबा की बेहरमती की है। इसके अलावा और भी अफराद हैं जिन्होंने खाने काबा की हुरमत का ख्याल नहीं रखा जी। लेकिन जो है आम तौर पर मुसलमान खाने काबा की नस्बत हसास है, चूँकि अल्लाह रसूल और क़ुरान के बाद मुसलमानों की नज़र में इस्लाम में जो सबसे बाअहमियत और बाअज़मत चीज़ है वो है खाने काबा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो मक्का में बनाया गया है वो मुबारक भी है और आलमीन के लिए हिदायत भी है। तो मुबारक घर जिसमें जो है फ़ी है आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहिम व मन दखलहु काना आमिना, के जो है उसमें खुली हुई अल्लाह की कुछ निशानियाँ हैं, जिनमें से एक मकाम इब्राहिम है, जो इसमें दाखिल हो गया वो
अमान में आ गया है, पनाह में आ गया है, तो ये मकाम है खाने काबा का। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि मोमिन की आबरू जो है वो खाने काबा से बढ़कर है। सबसे पहला जो फर्दी नुकसान है गीबत का, वो ये नुकसान है कि जिसकी गीबत की जा रही है लोग जो हैं उसके बारे में बदबीन हो जाते हैं, उसके बारे में बुरा तसव्वुर करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो चार ही लोगों के दरमियान से ही काबिल एतमाद है, चार लोग जो हैं उसको सच्चा समझते हैं, चार लोग उसको काबिल एतमाद समझते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, तो ये इंसान उन्हीं चार लोगों के दरमियान जो इन पर एतमाद करता है, जो इन पर एतमाद करता है, किस इंसान की गीबत करे? चूँकि ये चारों उस पर एतमाद करते हैं, लिहाजा जिसकी गीबत की है उसकी बनिस्बत ये लोग जो हैं बदबीन हो जाएंगे और उसको बुरा समझने लगेंगे। अब अगर यही चार लोग, चार चार लोग इनके साथ ऐसे जुड़े हुए हों जो इन पर एतमाद करें और ये जाकर जो है उन चारों से इसी बात को बयान करें, तो गोया जो है ये एक गुनाह जो एक इंसान ने अंजाम दिया था ये मुंतशिर होता चला जाएगा और नुकसान ये होगा कि एक बंदे मोमिन जिसकी गीबत की गई है बहुत सारे लोग जो हैं उसके बारे में बुरा ख्याल करने लगेंगे, बदबीन हो जाएंगे। जी। दूसरी चीज़ जो है ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि इज्जत जो है वो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। इज्जत और जिल्लत का देने वाला भी अल्लाह है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंसान गीबत करता है, दूसरों की जो गीबत कर रहा है, ठीक है बाज़ अफराद उसकी बात को यकीन मान सकते हैं, लेकिन जब इंसान बार बार तकरार करेगा, गीबत बार बार करता रहेगा, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ख़ुद जो गीबत कर रहा है लोग इसकी बनिस्बत बदबीन हो जाएंगे और नतीजा ये होगा कि लोगों का एतमाद इससे उठ जाएगा और लोग अपनी बातें फिर इसको नहीं बताएंगे, अपनी राज की बातें, मख्फी बातें, कुछ अपनी दिल की बातें या ऐसी बातें जिनका छुपाना बेहतर समझते हैं या छुपाना ज़रूरी समझते हैं, वो असलन गीबत करने वाले को नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि ये इधर की उधर करने वाला है, यहाँ की यहाँ वहाँ कहता है, वहाँ की यहाँ कहता है और गीबत करना इसका काम है। तो पहला नुकसान जो फर्दी है वो उसके लिए है जिसकी गीबत की जा रही है, यानी क्या होगा? यानी ये होगा कि लोग उससे बदबीन हो जाएंगे। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि खुद ये इंसान अपना एतमाद खो बैठेगा, ये फर्दी नुकसान है। शुक्रिया मौलाना साहब। तो यहाँ तक फर्दी नुकसान की बात होगी, अब मैं चाहता हूँ इज्तिमाई नुकसान आप हमारे दोस्तों को बताएं। इज्तिमाई नुकसान जो है वो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान जो है वो एक ऐसी मखलूक है कि जो तन्हाई पसंद नहीं है, जिसकी फितरत में माशरा है, जिसकी फितरत में माशरे में रहना है, इज्तिमा में रहना है, सोसाइटी में रहना है, ये इंसान तन्हाई पसंद नहीं है। मगर ये कि बाज़ अफराद की वो भी तरबियत के एतबार से बाज़ अफराद की ऐसी सिनखियत हो जाती है कि वो तन्हाई को पसंद करते हैं, वरना आम तौर पर जो है इंसान वो तन्हाई नहीं बल्कि माशरे में, सोसाइटी में रहने को पसंद करता है। और ये इतने सारे रिश्तों का होना, ख़ुद शादी करना, ये सब इस बात की दलील है कि इंसान जो है वो एक ऐसी मखलूक है कि जिसकी फितरत में समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तन्हाई नापसंद है इस इंसान को। लिहाजा मुआशरे में रहने के लिए कुछ कवानीन ऐसे हैं मुआशरे में रहने के लिए जिनकी पाबंदी, जिनका लिहाज करना ज़रूरी है। एक सही, सालिम, अच्छा मजहबी और दीनी मुआशरे के लिए कुछ कवानीन हैं, जिसका सबसे पहला कानून ये है कि बेहतरीन माशरे को बनाने के लिए गीबत से दूरी होनी चाहिए। लिहाजा सबसे पहला इज्तमाई और समाजी नुकसान गीबत का ये है कि अगर गीबत की जाए तो माशरा बिगड़ जाएगा, माशरे में अफरा तफरी फैल जाएगी, इसलिए कि लोग जो हैं अक्सरियत के बारे में बदबीन हो जाएंगे। मैं आपसे बदबीन हूँ, आप मेरे बारे में बुरा ख्याल रखते हैं, जैद जो है वो खालिद को बुरा समझता है, खालिद जैद को बुरा समझता है, और इसी तरीके से नाम लेते चले जाइए, चाहे जितनी मिसालें लेते चले जाइए। क्यों? इसलिए कि वो उसकी गीबत कर रहा है, ये उसकी गीबत कर रहा है, सबके बारे में बुराइयां जो है वो बयान की जा रही हैं, एक चीज़। दूसरा नुकसान ये है कि माशरे में जो है अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम फैल जाएगा, वो इसलिए कि एक इंसान जिसकी गीबत की गई है,
जिसकी गीबत की गई है, जब उसको ये मालूम होगा कि फ़ला शख्स ने मेरी गीबत की है जी, तो उसके दिल में क्या बात आएगी? सबसे पहले उसके दिल में, अगर उसके पास कोई राज है जी, तो वो उसके राज को दूसरों से बयान करेगा जी। दूसरे, फिर उसकी भड़ास जो है यहीं पर तमाम नहीं होगी, बल्कि उसके दिल में हमेशा इंतकाम की ख्वाहिश रहेगी, और जब भी वो मौका पाएगा जी, तब जो है वो इंतकाम ले लेगा जी। और अगर माशरे में यही हो जाए, सब एक दूसरे की गिबत करें और एक दूसरे से इंतकाम लेना चाहें, तो गोया ये एक सुलह आश्ती और आराम वाला माशरा नहीं, बल्कि एक फसादी माशरा हो जाएगा, और ऐसे माशरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान जो है, देखें मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ, इंसान जो गुनाह अंजाम देता है छुप कर अंजाम देता है, अक्सर इंसान कोशिश करता है कि गुनाह को छुप कर अंजाम दे। क्यों? इसलिए कि अपनी इज्जत और अपनी आबरू से डरता है जी, कि कहीं लोगों के सामने बेआबरू ना हो जाए, बेइज्जत ना हो जाए, इस चीज़ से डरता है। लेकिन अगर किसी को उसके गुनाह की खबर हो जाए, मिसाल के तौर पर एक इंसान ने जो है चोरी की जी, और किसी को उसकी खबर हो गई, भाई चोर जो है वो चोरी करके ये थोड़ी कहता है कि मैंने चोरी की है, छुपाने की कोशिश करता है, किसी को खबर हो जाए, उसने जाकर किसी से बताया, उसने और दो लोगों से बताया, या इसी तरीके से और जो दूसरी राज की बातें होती हैं उनको बताया जाए, तो इंसान जो गुनाह करता है तो छुप कर इसलिए करता है ताकि उसकी आबरू महफूज रहे। गीबत का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके ज़रिए से जो है वो माशरा गुनाहों से आलूदा हो जाएगा, इसलिए कि अब तक यही इंसान जो कोशिश कर रहा था कि मेरी आबरू बाकी रहे, ठीक है मैं गुनाह कर रहा हूँ लेकिन लोगों के सामने मेरी आबरू बाकी रहे, अब जब गीबत के ज़रिए से ये बेआबरू हो गया है तो गोया ये खुलकर गुनाह अंजाम देगा, इसलिए कि जिस बात का डर था वो हो चुका है। लिहाजा अब बहुत मुमकिन है कि ये इंसान बजाय इसके कि सुधर जाए, ये जो है खुलेआम गुनाह अंजाम देने लगे, और नतीजा ये होगा कि माशरा जो है वो ख़राब से ख़राबतर होता चला जाएगा। लिहाजा जो है इसके फर्दी नुकसानात भी हैं और इज्तमाई और समाजी नुकसानात भी हैं, इंसान को जो है वो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सबसे मुहिम नुकसान जो है वो ये है कि एक दूसरे से एतमाद उठ जाता है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। शुक्रिया मौलाना साहब बहुत बहुत। भाई और दोस्तों, वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं आपकी खिदमत में, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई और दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, हमारी बातचीत जारी है अली जना मौलाना सैयद अस्करा साहब क़िबला के साथ। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले आपने हमारे सामने नुकसानात गीबत बताए कि जिसकी दो किस्में थी, फर्दी और इज्तमाही। मैं चाहता हूँ आखिर में कि आप अनवाए गीबत की कितनी किस्में हो सकती हैं उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए, गीबत के बारे में जो है आमतौर पर लोग ये समझते हैं और ख्याल करते हैं कि गीबत जो है वो सिर्फ ज़बान से होती है, यानी ज़बान से हम किसी की बुराई को बताएं, किसी के अंदर कोई ऐप पाया जाता है उसको लोगों से बताएं, कोई नक्स पाया जाता है उसको लोगों से बताएं, तो ये गीबत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गीबत जो है वो सिर्फ ज़बान से नहीं है, ज़बान से भी होती है, कभी कभी इशारों से भी गीबत होती है। जैसा कि ख़ुद कुरान में मैंने भी आयत पेश की थी, इरशाद हुआ है वैलुल लिकुल्ल हुमज़ातिल लुमज़ा, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक हुमज़ा और एक लुमज़ा। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक के माना है ज़बान के ज़रिए से गीबत करना, लेकिन दूसरे के लुग़वी माना जो लिखे गए हैं वो चश्म चरानी, यानी आँखों को घुमाना, आँखों के ज़रिए से इशारा करना। तो गीबत जो है वो कभी ज़बान के ज़रिए से की जाती है, कभी आँखों के इशारे से की जाती है, कभी जो है वो हाथों के इशारे से की जाती है, कभी जो है ख़ुद ऐसा होता है कि इंसान, मिसाल के तौर पर एक इंसान के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, एक इंसान जो है वो लंगड़ा है जी, एक पैर से सालिम है दूसरा सालिम नहीं है जी, तो जिस तरीके से वो चलता है उस तरीके से दोस्तों के सामने चलकर दिखाना जी, कि अगर वो लंगड़ा देखे तो उसको बुरा लगे, और ज़ाहिर सी बात है बुरा लगेगा भी, ये ख़ुद गीबत में शुमार है जी। एक इंसान लाठी लेकर या डंडा लेकर डंडे के सहारे से चलता है जी, दूसरा इंसान जो है वो उसकी मजाक उड़ाने के लिए, लोगों के सामने उसकी कैफियत को बयान करने के लिए सही सालिम है लेकिन डंडा लेकर चलने लगे, लाठी लेकर उसकी नकल करने लगे गोया,
जिस तरह से वो करता है, वो मजबूरन कर रहा है, ये उसकी कैफियत को लोगों के सामने बयान करने के लिए ये काम को अंजाम दे रहे हैं। कभी कभी जो है वो कोई इंसान किसी काम को अंजाम दे रहा है या किसी ख़ास अदा को अंजाम दे रहा है, किसी तरीके से, मिसाल के तौर पर एक इंसान बैसाखियाँ पकड़े हुए चला रहा है, तो चंद दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, तो एक ने जो है वो आंखों से इशारा करके सबको मुतवज्जी किया कि देखो किस तरह से चला रहा है। ये सारी चीज़ें गीबत में शामिल हैं। ऐसा नहीं कि जबान गीबत जो है वो ज़बान से मुनहसर है। हाँ, ये है कि एक ज़बान के गुनाहों में से एक गुनाह है, लेकिन सिर्फ ज़बान से मखसूस नहीं है, बल्कि ज़बान के अलावा आँखों का इशारा, हाथों का इशारा, या उसी अमल की तकरार करना गीबत की नीयत से, मजाक उड़ाने की, मसखरे की नीयत से, ये सब गीबत में शामिल हैं। लिहाजा हम ये ख्याल ना करें, ये तसव्वुर ना करें कि सिर्फ ज़बान से बुराई बयान करने को गीबत कहते हैं, बल्कि इशारा और नक़ल करने भी, ये भी गीबत में शामिल हो सकता है। शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ आखिर में गीबत के अलल व असबाब को मुख्तसर से बयान कर दिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तफसील से हम इस बारे में देखें। गीबत के अलल व असबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जी। यानी गीबत इंसान क्यों करता है, गोया ये कहा जाए कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या सबब है कि इंसान गीबत करता है जी। इसके जो हैं वो बहुत सारे असबाब हैं जी। कभी कभी जो है वो अलबत्ता तफसीली हैं, अब वक्त भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, वक्त भी तमाम हो गया। मैं सिर्फ जो है वो नाम गिना देता हूँ, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। कभी कभी जो है इंसान वो हसद में किसी से जलता है, हसद करता है, उसकी बिना पर उसकी गीबत करता है जी। कभी कभी जो है इंसान दुश्मनी, नफ़रत, बोग्ज के मातहत जो है वो किसी से दुश्मनी है, उससे जो है उसकी गीबत करता है जी। कभी कभी इंसान जो है वो गुस्से में किसी इंसान पर गुस्सा आ गया और पीछे जो है उसकी गीबत कर दी, तो कभी हसद की बिना पर इंसान गीबत करता है, कभी गज़ब की बिना पर यानी गुस्से की बिना पर, कभी जो है वो दुश्मनी की बिना पर जी। इसी तरह से कभी कभी जो है इंसान जो है वो इस तरीके से गीबत करता है कि यानी दूसरों के मख्फी राज को दूसरे लोगों से या लोगों तक इस तरीके से बयान कर देता है कि गोया उसकी हमदर्दी करना चाह रहा है, लेकिन उस हमदर्दी के ज़ेल में उसकी गीबत को बयान कर देता है। इसी तरह के और भी एलल व असबाब हैं। इंसान को नहायत दिक्कत से यहाँ पर काम लेना चाहिए कि ठीक है, हम किसी ठीक है हम मदद भी करना चाह रहे हैं, तो ऐसे मौके पर भी कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसा लफ्ज़ हमारी ज़बान पर ना आए कि उसकी गीबत हो जाए। तो यही जो मैंने अभी अर्ज़ किया है आपके सामने, हसद है और खुद दुश्मनी है और गुस्सा है, और ख़ुद इंसान की फितरत में मजाक उड़ाने का शौक़ होना जी, या बुरे दोस्तों की सोहबत, ये तमाम चीज़ें गीबत के असबाब में शामिल हैं। शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे सवालात के जवाब दिए। भाई और दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे रुख्सत होने का। जाने से पहले आपको इस दर्स का खुलासा बयान कर दें। आज मौलाना साहब ने हमारे सामने गीबत के सिलसिले में जो रवायत वारिद हुई थी, जिसमें गीबत की मजम्मत की थी, उसके बारे में बताया कि जिसमें मासूम की हदीस है कि अलगीबत व हरामुन अला कुल्ले मुस्लिम, कि जिसमें साफ लफ्ज़ों में मासूमी ने इसको हराम करार दिया है कि गीबत हर मुसलमान के ऊपर हराम है। और उसके बाद गीबत के नुकसानात में दो तरह के नुकसानात का जिक्र किया गया है। पहले नुकसान का नाम फ़र्दी है और दूसरे का नाम इज्तमाही है। फ़र्दी और इज्तमाही के बाद आखिर में अनवाए गीबत को मौलाना साहब ने जिक्र किया कि गीबत की कई किस्में हो सकती हैं। यानी आम तौर से यह तस्वुर किया जाता है कि गीबत सिर्फ ज़बान से हो सकती है, लेकिन नहीं, मौलाना साहब ने कहा कि ज़बान के अलावा गीबत इशारे और किनाए से, हाथ के इशारा, पैर के इशारा या आँख से अगर किसी के ऐप को हम जाहिर कर रहे हैं तो ये भी गीबत में शुमार होगा। आखिर कलाम में अजबाब गीबत को मौलाना साहब ने जिक्र किया कि जिसमें हसद, दुश्मनी, गुस्सा और बुरे दोस्त की सोहबत, ये इस बात का सबब बनती है कि इंसान गीबत करने पर मजबूर होता है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे रुख्सत होते हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह गीबत के अलल असबाब को तफसीली तौर पर हम आपके सामने पेश करेंगे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات